हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर 3 वर्किंग विद टेबल्स के बारे में। तो देखें सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, वर्किंग विद टेबल्स यानी टेबल्स के साथ वर्क करना। तो आप इस चैप्टर में देखेंगे काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में, क्रिएटिंग एंड एंट्रिंग डाटा इन ए टेबल, रिसाइजिंग अ टेबल्स, मॉडिफाइंग अ टेबल, फॉर्मेटिंग अ टेबल, चेंजिंग कॉलम विड्थ, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल्स, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल, इंसर्टिंग पिक्चर इन ए टेबल, कैलकुलेशंस इन ए टेबल। तो आइए हम बात करते हैं कि टेबल्स के साथ में कैसे वर्क किया जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, वर्ड 2016 ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल फीचर ऑफ प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें 2016 की, तो ये हमें ऐसा फीचर देता है कि हम टेबुलर फॉर्म में वर्क कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। ए टेबल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रॉज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक टेबल कंसिस्ट करती है कॉलम्स और रॉज को, यानी कि टेबल बनती है रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन पार्ट से, जो कि एक सेल बनता है। तो टेबुलर फॉर्म का मीन है रॉ और कॉलम के फॉर्मेट में वर्क करना। इट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिक डाटा इन एन इफेक्टिव मैनर। ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है टेबुलर फॉर्म में वर्क करना, कि हम अपने पास में अगर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास या न्यूमेरिक डाटा है, तो हम उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे सेट किया जा सकता है। तो देखें फर्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग अ टेबल। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? ए टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। जैसा कि अभी मैंने बताया, टेबल क्या है? टेक्स्ट का अरेंजमेंट है रॉ और कॉलम के फॉर्मेट में। इंटरसेक्शन ऑफ अ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। रॉ और कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। वर्ड प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ वेज टू क्रिएट अ टेबल। वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हमें कई तरीके से टेबल को क्रिएट करने का हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। टू इंसर्ट अ न्यू टेबल, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर। यानी अगर आप टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कर्सर को वहां ले जाइए स्क्रीन पर जहां पर आपको टेबल अपीयर करना है। तो देखिए, इसमें टू वेज हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, तो टू मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड दिया हुआ है इसमें यूजिंग टेबल ग्रिड। अगर हम चाहें तो टेबल ग्रिड का इस्तेमाल करके भी हम आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, क्लिक ऑन द टेबल बटन ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप। आपको क्या करना होगा? टेबल्स ग्रुप में जाकर इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल बटन, आप उस पर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ टेबल बटन और ये टेबल ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दिस विल ओपन अ ड्रॉप डाउन मेनू दैट कंटेन्स अ ग्रिड। आपको एक ग्रिड दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर ग्रिड दिख रही है। यहाँ से आपको ग्रिड को सेलेक्ट करना है, जैसे भी आप रॉ और कॉलम्स का फॉर्मेट चाहते हैं, जितने रॉ और जितने कॉलम्स चाहिए। इसके बाद क्या करना होता है? ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स दैट यू वांट इन द टेबल। आप जितने रॉ और कॉलम चाहें सेलेक्ट कीजिए। द टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन द वर्किंग एरिया। ऐसा करते ही आपके वर्किंग एरिया पर टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा, इसका जो मेथड है वो है यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। हम इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, नेविगेट टू द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन द टेबल बटन। हमें क्या करना होगा? इंसर्ट टैब पर जाकर नेविगेट करके और क्लिक करना होगा हमें टेबल बटन पर। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। हमें क्या करना होगा? इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर जा करके उसको सेलेक्ट करना होगा। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ही अपीयर हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? टेबल के साइज को सेट करने के लिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज, इनको यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं इन एरोज की माध्यम से, इन एरोज को यूज़ करके भी, या फिर आप इनपुट कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड, जितने भी आपको रॉ और कॉलम्स चाहिए।
इसके बाद स्पेसिफाई करने के बाद में आप कर देंगे क्लिक ओके, यानी ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल यू विल गेट अ डिज़ाइन एंड लेआउट टैब ऑन द रिबन अंडर द टेबल टूल्स। आपको डिज़ाइन और लेआउट टैब भी मिलता है इसमें रिबन पर। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंटरिंग डाटा इन ए टेबल। अब आपने टेबल तो क्रिएट कर ली, टेबल क्रिएट करने के बाद हमें इसमें डाटा एंटर करना होता है, यानी कि उसमें टेबल के अंदर जो भी सेल्स होंगे उनमें हम डाटा कैसे एंटर करेंगे। तो प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन अ टेबल सेल वेयर यू वांट टू टाइप डाटा, यानी आपको क्या करना होगा टेबल के अंदर सेल पर जाकर आप अपने कर्सर को ले जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे जहां पर आपको टाइप करना है डाटा उसमें टू मूव द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल आइदर प्रेस द टैब की और राइट एरो की, यानी कि आपको किसी भी सेल में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं या राइट एरो की। अप एंड डाउन एरो कीज जो होती हैं लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन, इनको आप आसानी से यूज़ करके और कीबोर्ड से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और आसानी से डाटा एंटर किया जा सकता है। टू मूव टू द प्रीवियस सेल इधर प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब की और लेफ़्ट एरो की, यानी अगर पिछले सेल पर हमें जाना है तो हम शिफ्ट प्लस टैब की का इस्तेमाल करेंगे या फिर लेफ़्ट एरो की। एंटर द डाटा एज गिवन इन द टेबल, और आप एग्जाम्पल के लिए इस तरह से एक टेबल में डाटा एंटर कर सकते हैं जैसा आपको फिगर 3.3 में दिखाई दे रहा है। द अप एंड डाउन एरो कीज विल शिफ्ट द कर्सर टू द सेल्स अबव और बिलो द करंट सेल। अप एंड डाउन एरो कीज का वर्क होता है कि जो सेल्स हैं उसमें हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम उसमें मूव हो सकते हैं करंट सेल से। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडिफाइंग अ टेबल। आपने टेबल क्रिएट कर ली, टेबल के अंदर डाटा इनपुट कर दिया, अब इसके बाद आपका वर्क होता है मॉडिफाइंग अ टेबल, यानी कि दैट मीन मॉडिफाई का मतलब है उसमें चेंजेस करना। आफ्टर एंटरिंग डाटा इन ए टेबल यू कैन मेक चेंजेस इन द डाटा एज नीडेड, यानी जब आप टेबल के अंदर डाटा एंटर करते हैं तो उसके बाद आपको जब कभी आवश्यकता होती है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपको चेंजेस करने पड़ जाते हैं। यू कैन इंसर्ट रॉ कॉलम्स और सेल्स इन अ टेबल टू अकोमोडेट न्यू कंटेंट। आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको कोई रॉ इंसर्ट करनी पड़ सकती है, कोई कॉलम इंसर्ट करना पड़ सकता है, कोई सेल इनपुट करनी पड़ सकती है, आपको ऐड करनी पड़ सकती है और आप कोई भी नया कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। सिमिलरली यू कैन डिलीट अनवांटेड रॉज कॉलम्स और सेल फ्रॉम ए टेबल, इसी तरह से आपको किसी भी रॉ कॉलम या सेल को टेबल से डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो हम बात करते हैं रिसाइजिंग टेबल्स। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ टेबल मैनुअली। आप चाहें तो टेबल का जो साइज़ है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बाई यूजिंग टेबल रिसाइज हैंडल, ये एक ऑप्शन है। बट वर्ड ऑल्सो ऑफर्स रेडीमेड सॉल्यूशन टू रिसाइज द टेबल, लेकिन हमें वर्ड एक ऐसा फीचर देता है कि जिसमें रेडीमेड सॉल्यूशन मिलता है हमें। रिसाइजिंग ऑफ ए टेबल कैन बी डन बाई ऑटो फिट ऑप्शन दैट ऑफर्स फ्लेक्सीबिलिटी टू ऑटोमेटिकली रिसाइज द कॉलम विड्थ बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। यू कैन सेट द टेबल विड्थ बेस्ड ऑन द विंडो साइज, यानी आप इसमें एक रेडीमेड ऑप्शन आपको मिलता है वर्ड की ओर से ऑटोफिट ऑप्शन, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप और ऑटोमेटिकली उसकी कॉलम विड्थ को रिसाइज कर सकते हैं टेबल की। और इसमें जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं देखें फिगर 3.5, इसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे ऑटोफिट में, ऑटोफिट कंटेंट्स, ऑटोफिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑन कन्वर्ट इट्स बैक टू यूज़ फिक्स्ड कॉलम विड्थ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ऑटोफिट बटन इन द सेल साइज ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। हम क्या करेंगे ड्रॉप डाउन एरो जो आपको दिख रहा होगा ऑटोफिट बटन में, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे इसमें जो कि लेआउट टैब पर सेल साइज ग्रुप में मिलेगा। इट विल डिस्प्ले द फॉलोइंग थ्री ऑप्शंस, इसमें तीन ऑप्शन होते हैं जो अभी मैंने बताया आपको दिखाई थी डायग्राम में, ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। देखिए यहाँ आपने देखे थे ये तीन ऑप्शंस, ये दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोफिट कंटेंट के बारे में। इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर्ड, यानी क्या करता है कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करता है जैसे हमने डाटा एंटर किया हुआ है। ऑटोफिट विंडो सेलेक्ट दिस ऑप्शन विल एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन अ विंडो, यानी इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं हम तो ये क्या करता है टेबल को एडजस्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द मार्जिन, यानी कि जो कि सेट किया हुआ जो भी मार्जिन उसमें विंडो पर।
fixed column width. The column width gets fixed and text is wrapped in the same cell. यानी कि इस कॉलम द कॉलम विड्थ यानी कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स हो जाती है इसमें ऐसा करने से, और जो टेक्स्ट है वो सेम सेल के अंदर रैप हो जाता है, यानी सेल से बाहर जा रहा है तो वो सेल के अंदर ही फिट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स इंसर्टिंग कॉलम्स रॉज इन ए टेबल। देखिए आपने टेबल बना ली है, डाटा इनपुट कर लिया है, मॉडिफाई भी कर लिया है, ऐसा भी हो सकता है आपको कोई रॉ या कॉलम को ऐड करना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे इंसर्ट करने के लिए, व्हाइल क्रिएटिंग एंड मेकिंग एंट्री इन ए टेबल यू माइट नीड टू ऐड रॉ और कॉलम इन बिटवीन। वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऐड न्यू कॉलम्स टू राइट और लेफ्ट और एग्जिस्टिंग कॉलम एंड इंसर्ट रॉ अबव और बिलो द सेलेक्टेड रॉ। यानी कि इसमें यही बताया गया है कि टेबल के अंदर जब आप क्रिएट करते हैं टेबल को और उसमें एंट्रीज एंटर कर देते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है, आपको बीच में कभी ज़रूरत पड़ सकती है रॉ और कॉलम को ऐड कराने की, तो ऐसे में आपको वर्ड एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पर इस तरह से जो दिए हुए स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करते हुए कॉलम और रॉ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना होगा हमें, टू ऐड अ न्यू कॉलम, एक नया कॉलम ऐड कराने के लिए सेलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टॉप बॉर्डर एडजेसेंट टू विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम। यानी आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा उस कॉलम को जहां पर उसके बराबर में आपको लेफ्ट या राइट साइड में जो भी कॉलम आपको इंसर्ट कराना है। तो टेबल टूल्स टैब अपीयर ऑन द रिबन, ऐसा करने से क्या होगा टेबल टैब टूल्स जो होगा वो टेबल टूल टैब आपको रिबन पर दिखने लगेगा। क्लिक ऑन लेआउट टैब अंडर इट, इसमें आप क्या करेंगे लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ईदर द इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट बटन, यानी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन रॉ और कॉलम ग्रुप में जाकर के, एन एम्प्टी कॉलम गेट्स इंसर्टेड इन द टेबल एज पर द चूजन ऑप्शन। जो आपने ऑप्शन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक एम्प्टी कॉलम वहाँ पर इंसर्ट किया हुआ मिलेगा टेबल में। सिमिलरली सेलेक्ट अ रॉ एंड देन क्लिक ईदर ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन, यानी रॉ को अगर आपको इसी तरह से जैसे कॉलम को बताया मैंने, आपको अगर रॉ को भी इंसर्ट कराना हो तो इसी तरह से आप अबव और बिलो इसको इसी तरह से सेम प्रोसेस से आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट तो हमने करना सीख लिया, अब डिलीट अगर हमें करना पड़ जाए उस टेबल में से रॉ या कॉलम को तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट द रॉ और कॉलम, यानी हमें रॉ और कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स मेन्यू, यानी कि हमें क्लिक करना होगा लेआउट टैब पर जो कहाँ मिलेगा हमें टेबल टूल्स मेन्यू में जा करके, सेलेक्ट द डिलीट बटन इन द रॉ कॉलम ग्रुप अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स, यानी कि रॉ और कॉलम ग्रुप में जा करके आप क्या करेंगे रॉ एंड कॉलम ग्रुप में जा करके डिलीट बटन को सेलेक्ट कर देंगे, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस की लिस्ट मिलेगी, चूज़ द डिलीट रॉ और डिलीट कॉलम ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी आप उसमें से क्या डिलीट करना चाहते हैं रॉ या कॉलम तो वहाँ से आप चूज़ करेंगे। राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड रॉ और कॉलम दैट यू विश टू डिलीट एंड सेलेक्ट द डिलीट रॉ डिलीट कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, यानी कि इसमें चाहें तो आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं या फिर दिए हुए इस ऑप्शन को चूज़ करके भी आप यहां से डिलीट कर सकते हैं सक्सेसफुली। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेटिंग अ टेबल। आपने टेबल क्रिएट कर ली, टेबल के अंदर डाटा भी इनपुट कर लिया, टेबल को मॉडिफाई कर लिया है, टेबल को रिसाइज कर लिया है आपने, अब इसके बाद हमारे पास जो वर्क रह जाता है वो है फॉर्मेटिंग अ टेबल, यानी कि हमारी टेबल को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा लुक देने के लिए हम टेबल को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ टेबल, आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल यू कैन फॉर्मेट द एंटायर टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल फीचर। फॉर्मेटिंग क्या करती है, टेबल के अपीयरेंस को कंट्रोल करती है, यानी एक बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। टेबल को क्रिएट करने के बाद हमें पूरी टेबल को फॉर्मेट करना होता है, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, तो हम इसे यूज़ करते हैं ऐसा करते हैं टेबल स्टाइल फीचर को यूज़ करके। द टेबल स्टाइल फीचर इज़ एन इनबिल्ट फैसिलिटी टू चेंज द अपीयरेंस कलर बॉर्डर ऑफ अ टेबल, यानी इफेक्ट डालता है उसके अपीयरेंस पर कलर बॉर्डर यानी इन सभी पर। देख रहे हैं आप डायग्राम में यहाँ पर डिज़ाइन टैब में अंदर जाकर टेबल स्टाइल्स, क्लिक ऑन द टेबल दैट यू वॉन्ट टू फॉर्मेट अंडर द टेबल टूल्स क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, यानी आप टेबल पर क्लिक करते हैं जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं
और टेबल टूल्स में जाकर के आप डिज़ाइन टैब पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं डिज़ाइन टैब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये टेबल स्टाइल्स ग्रुप है। सेलेक्ट द डिज़ायर स्टाइल फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप। आप यहाँ से ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं अप एंड डाउन, यहाँ से आप किसी भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी टेबल को। अब देखते हैं चेंजिंग कॉलम विड्थ। यू कैन रिसाइज द कॉलम विड्थ ईदर बाय यूजिंग द ऑप्शन अवेलेबल ऑन द लेआउट टैब और बाय यूजिंग द माउस पॉइंटर। आप कॉलम की विड्थ को भी रिसाइज कर सकते हैं, और आप लेआउट टैब पर जाकर के आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर माउस पॉइंटर को भी यूज़ करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो देखें, सेलेक्ट द कॉलम हुज विड्थ यू वांट टू चेंज, यानी कि आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना होगा जिसकी आप विड्थ चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, आप लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ बटन इन द टेबल ग्रुप, और टेबल ग्रुप में जाकर प्रॉपर्टीज़ बटन को सेलेक्ट करेंगे। द टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यानी ऐसा करने से क्या होगा, टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आपको दिखने लगेगा। देखिए, ये आप देख रहे हैं टेबल प्रॉपर्टीज़, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट द प्रेफर्ड विड्थ चेकबॉक्स, क्लिक ऑन द कॉलम टैब। तो सबसे पहले हम कॉलम टैब पर, देखिए आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा, कॉलम टैब पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो प्रेफर्ड विड्थ है इसकी, उसको सेट करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। नाउ इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ ईदर बाय यूजिंग द स्पिन एरोज और टाइप इन द स्पेसिफिक वैल्यूज टू सेट द विड्थ, यानी आप चाहें तो इसमें ये जो एरोज स्पिन एरोज आपको दिख रहे हैं वहाँ से भी आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो कीबोर्ड से डायरेक्टली इनपुट करके इसकी जो विड्थ है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और क्लिक करेंगे ओके बटन पर। ये ओके बटन आपको दिखाई दे रहा है इसमें। सिमिलरली यू कैन चेंज द रॉ हाइट बाय सेलेक्टिंग द रॉ टैब इन द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। इसी तरह से आप रॉ की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं रॉ टैब को सेलेक्ट करके, और कहाँ से मिलेगा ये, टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में ही मिलेगा आपको। देखिए कॉलम के बराबर में ही रॉ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आया होगा ये वीडियो। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, थैंक यू।